चालबाज करने सह के। कौन सो जी? पुलिस। पुलिस वो भी आ रहे? आड़े पुलिस का की काम से है? कोई ना एक बचाल के देखू तो सही, क्यों आई से यहाँ? चालबाज का घर यो ऐसा है? हाँ यो ऐसा है। बुलाओ कड़े से वो। क्यों, के बात होगी? तावली बुलाओ उसने। इसी के बात होगी जी, मने बात तो बता दो, मैं उसकी घराली सू। उसने तीन पुलिस आला का पागल बना रखा से, और झूठ बोले के 1500 रुपये ठग लिए, इस खातर उसने गिरफ्तार करना रह सू, और जेल में डाल लूंगा उसने। साहब जी आप भीतर चलो, आराम तो बैठ के बात करेंगे। साहब जी उसकी गलती की माफी मैं मांगू सू, और आप उसने जेल में मत डालियो, बेचारा मर जाएगा गरीब आदमी से। तू गणिशानी मन्या बने, तावली सी उसने बुला ले, ना तो तने भी जेल में डाल दूंगा। साहब जी एक बात बुझू। तावली सी बुझ तू। जी आंख मारन की आदत आपने पहले तैसे कि मन देख के मारो सो। शट अप, आंख मारन की आदत मेरी पहला तैसे है, एक्सीडेंट में मेरी नस दब गई थी, जाते मेरी आंख बार बार दबे से। आप तो खाम का छो मारे सो, वो तो खेत में जा रहा से। वो कोट भरा होगा, पहले वो खेत बाओगा, फिर पानी देगा, फिर बीज डालेगा, फिर पानी देगा, फिर फसल पकेगी, फिर फसल ने टेली में भर के मंडी में बेचन जागा, जब पीसे मिल जाएंगे, जब वो गन्ना होगा। पागल की बच्ची, फसल तैयार हो 6 महीने में, इतने वो खेत में पड़ा रहेगा। तावली सी उसने बुला ले, ना तो तेरा जाम तार दूंगा। अरे वो चाल बाज ने इतना पिटूंगा, हमने पुलिस वाला ने पागल बना रहा है, ठीक से आज उसकी खैर नहीं से, आज उसते 500 के 1000 लेकर छोड़ूंगा, समझे? आज मेरा नाम भी ओम प्रकाश नहीं है। कौन हो जी? पुलिस। मैं नान ला गई सूजी, नू क्यों कर खोल दू दरवाजा? नावे से ज्यादा देर लाग रही से, कोई बात ना नाले। जय राम, तू तो किसी ने बता के भी नहीं आया, और पुलिस उसने पकड़न आ गई, तेरे थे पूछा जागा, तू अड़े की करे से, थानेदार तने सस्पेंड कर देगा, नौकरी चाली जागी, बेइज्जती होगी वो अलगते, और नू पूछेंगे अकेली औरत के घर ने गेट बंद करके तू के करे था। के सोचे से गेट खोल दू के? कंचनी मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, जै मैं पुलिस के हत्थे चढ़ गया ना, मेरी नौकरी भी चली जागी और बालक मर जाएंगे भूखे। आज यो सही फंस गया। देखो हलदार साहब, आज मैं अपने बचा भी सकूं सू और अपने मरवा भी सकूं सू, पर 500 रुपये लगेंगे। मैडम जी ये लो 500 रुपये और मन्ने बचा लो आज। ठीक से एक काम कर, ये ले मेरे सलवार और जम्फर, इन पैर ले जाकर लत्ते धो लाग जा, कई दिन तक मैं ले हो रही से, जा धोन लाग जा, मेरे हाथा में दर्द से। दरवाजा खोल ले सके, दरवाजा तोड़ दू। मैडम दरवाजा खोलने में इतनी बार कुकर लागी? जी मैं कहूं तो थी नान लाग रही थी। कोई बात ना, चालबाज का घर यो इस है ने? हाँ जी यो इस है जी, भीतर चालो इस कमरे में से। तो चाल भीतर दिखा कर ऐसा। चुटी कड़ा लुका रखा था मैंने, तो कोई नहीं दिखा भीतर। जी मैं तो आड़े छोड़ के गई थी। तो फिर कित गया? कौन से? पुलिस गेट खोलो। तरीक है, थानेदार साहब भी आ गए, आज फंस गया तू तो,
आते ही बुझेगा तू अड़े के करस है, तेरी तो नौकरी भी जागी और सजा होगी अलग। कंचनी मैडम मने बचा ले। मैं तने क्यों कर बचा सकू सू? कंचनी मैडम किसी तरह भी कर मने बचा ले, मेरी नौकरी भी जागी और मेरे बालक परेशान हो जाएंगे, तू मने बचा ले, बस किसी तरह बचा ले। ठीक से, पर 500 रुपए लागेंगे। ये ले मैडम 500 रुपए और मने लुकने की जगह बता दे थोड़ी सी। ठीक से, एक मिनट रुक। ले ये सूट सलवार पहन ले और चुपचाप मेरे कपड़े प्रेस करन लाग जा। घूंघट काट लिए कि मैं बोलिए मत ना। चालबाज का घर यो है। हाँ साहब, के होया? आप उनने क्या तो पूछो हो? कहाँ है चालबाज? उसने गैर कानूनी काम किया है और पुलिस को पागल बनाने का जुर्म किया है, इसलिए उसको मैं इस जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। जल्दी बुलाओ उसको। थानेदार साहब जी, वो खेत में बुआई करन जा रहा है और जब तक फसल बेच कर घर में पीसे नहीं लाओगा ना, उसने मैं घर में नहीं बढ़न दूंगी। बेवकूफ की बच्ची, तुम पुलिस को पागल मानते हो? तू खेत में जा और उसने बुला के लिया। जब तक तू नहीं आलेगी ना, मैं आड़े बैठा सू। जय तू उसने बुला के नहीं लाई तो लेडीज पुलिस ने बुलवा के तेरे बक्कल ने उतरवा दूंगा। तन्ने और तेरे घराले ने 7 साल की सजा हो जाएगी। ना जी, ऐसा मत करियो। जय भला चावे ना, वो जित भी है उसने बुला के लिया। तावड़ी आ। ठीक से जी, मैं बुला के ले आऊं। जल्दी चल। यार रात के 12 बज गए, 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई। रात गई, अरे इब तक आई नहीं कि चली गई। जय कोई आके नूबू झण लग गया और इतनी रात ने तू इस लुगाई के घर में के कर रहा से? तो तने जवाब देना भारी हो जाएगा। एक बार बाहर देखू जाकर। इस कपड़े धोने वाली तबूझू तेरी मालकिन अपने घराले ने बुलान गई थी, ईब तक नहीं आली, बतास कै कदावगी? मैं तेरे तबूझू सू, बताती क्यों नहीं? कहां गई तेरी मालकिन? तू कितनी ये बूझ ले, मैं को नहीं बताऊ। मन ने तेरे तक कै बूझ ली, बताती क्यों नहीं? गूंगी सहके। अरे अरे जयराम, तू लुगाई के लत्या मारे के क्रस है? साहब मने माफ कर दो, मैं आपते बिना ही बताया गया था और फिर आपकी आवाज सुन के मैं डर गया। साहब इस लुगाई ते मन अपनी जित बचाने की कही, मेरे ते 500 रुपये ले लिए, आड़े लुगाई के कपड़े पर आ गए, लत्ते धोने पे ला दिया। अच्छा तो यह बात है? हाँ जनाब साहब, यह लुगाई घनी कसूती और चालबाज है, इस ते मने बचा लो और अपने करे की माप ते माफी मांगू हूँ। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं सै, पर या जो आवाज आन लाग रही से, यो कौन उसके है? साब यो भी कोई आपकी और मेरी डाला इस लुगाई का फसाया हुआ पावगा। चलो चलकर देखते हैं। रुको, आवाज यहाँ से आ रही है, जो कोई भी है बाहर आ जाओ वरना गोली मार दूंगा। जो कोई भी है बाहर आ जाओ वरना गोली मार दूंगा। साहब जिस तरह दयाराम फंस गया इस लुगाई के चक्कर में, मैं भी नुए फंस गया और मैं भी आपसे बिना बताए आ गया, मैंने भी माफ कर दो। न्यू करो, अपनी ड्रेस बदल लो और दीवार के पीछे लुक जा। Thank you.
पुलिस वाले तो गए, इम आराम तो सोऊंगी। या चालबाज की लुगाई तो आली, उस चालबाज ना और आलन दो, फिर इनकी खबर लेंगे। कंचनी, ओ मेरी कंचनी, मेरी जान, यो सारा कुणबा मने न्यू काया करता, अकियो कि मैं कर नहीं सकता, कि मैं कमा नहीं सकता। देख आज मैं कितने कितने रुपए कमा के लिया, दिखा रहे बोलू इसने। साची ले भाभी गिन, इतने रुपये कड़े तक कमा के लिया तू? इतने के इस तरह फालतू कमा के लिया करूंगा? बता तो दे जाए रोए, इतने रुपये कितना कमा के लिया है? अरे मेरी जान, मैंने तीन पुलिस वाला का पद्दू बना दिया, उन तई मैंने राजा विक्रमजीत का दरबार और खांडे राव पुरी का डांस दिखा दिया। क्यों भाई, दिखाया था ना? हाँ भाई दिखाया था। बात सुनो, वे तीनों पुलिस वाले घर ना आए थे और तन्ने पूछे थे, तन्ने गिरफ्तार करने आए थे वो। और सुनो, मन्ने भी घरा बैठी ने 1,000 रुपये कमाए। बाबी तन्ने क्यों कर कमाए? मन्ने एक अवलदार दौरे तो लत्ते दवाए, दूसरे दौरे प्रेस करवाए, दोनों पे 500-500 रुपये लिए, हो गए ना 1,000 रुपये। बाबी बात बात में सवेरा हो लिया, ईब मैं घूमने जाऊं सु, बढ़िया सी आलुआ खीर बना ले, सारी रात के भूखे सा। ठीक से देवर। ठीक से भाभी। साहब जी। हाँ। इब तो सारे आ लिए। अच्छा, इब क्या की देरी से? चलो धावा बोलते हैं। रुको, एक आदमी और आया है, उसने जालन दो। अरे चालबाज, महावीर भाई तू आ जा, बैठ भाई। अरे चालबाज, तने 2,000 रुपये लिए थे 10 दिन खातर, और 2 महीने हो गए बिना ब्याज 1,000 रुपये दिए, कद देगा भाई? मन अपने रुपये चाहिए और आज लेकर जाऊंगा। भाई परसों आ जाइए और जब ले जाइए। परसों नहीं भाई, मन तो आज चाहिए। रहो भगवान, तने मेरी रोटी पोई ना, नान का पानी करे ना, कपड़े धोए ना, सारा दिन घर में पड़ी पड़ी के करी जा है। मैंने तो कुछ ना करया, तू कौन सा पहाड़ खोद का आया से? अच्छा गणी बोला है? हाय मम्मी की, हाय माँ। ओ तरीक, हाय राम, यो मैंने के कर दिया, मैंने अपनी बहू मार दी। कंचनी तू मैंने छोड़ के मत ना जा, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। अरे यो क्या करवा दिया? मन्ने क्या करया भाई? अरे भगवान कड़ी ओले, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। अरे निर्भाग, तने यो क्या करवा दिया? तू इसे 2,000 रुपये मंगना आया, मेरे हाथ मेरी घराली मरवा दी तने, चला जा रहे थे ना, मैं इस गांव राम ने इकट्ठा कर लूंगा और न्यूका दूंगा, तने मेरी लुगाई मार दी। भाई चल बाज, तेरी घराली ठीक हो जाएगी और मैं नहीं मांगता तेरे पे 1 रुपया भी। अरे कंचनी खड़ी होले, देख सारे जालिए उठ ले भी क्यों पड़ी से। अरे वाह रे मेरी सोनपरी, अति गजब की एक्टिंग करे से। एक बात बता, मन्ने के तरह मारे? फिर मैं के साची की रोई, हम के गए चलो। तंदर साहब मन माफ कर दो। माफ कर दिया? तेरे को तो कम से कम 5 साल की सजा होगी, तूने पुलिस को पागल बनाया और कानून को तोड़ा। हवलदार इसको चौकी में ले चलो। जी जनाब। साहब मेरे घर वाले ने मत ना लेके जाओ, मार पे गलती होगी, हमने माफ कर दो। हवलदार इसे चौकी में ले चलो। जी जनाब। साहब जी मेरे घर वाले ने ना लेके जाओ, मार पे गलती होगी, हमने माफ कर दो। राम राम दोस्तों, इंसान कई बार अपराध करके ये सोचने लग जाता है कि कानून मेरा क्या बिगाड़ लेगा। साथियों, कानून को कमजोर मत समझो और कानून के साथ कभी खिलवाड़ मत करो। जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा या कानून को तोड़ेगा तो उसका यही हश्र होगा जो चालबाज और कंचनी का हुआ। राम राम, धन्यवाद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।